आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है, वो वर्बल मैथ अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट प्री हो चाहे मेंस हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें ज्योमेट्री आती है उसमें आता है, और बच्चों को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए एक आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पे गिरती है, तो इस वाली लाइन को हमेशा सीवियन बोला जाता है। शर्त यह है कि यहां से निकलनी चाहिए, यहां पे आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो सीवियन है ये कितने प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार का आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर इसने दो बराबर पार्ट में तोड़ दिया तो इसको हम बोलेंगे मीडियन, या हिंदी में बोलेंगे माध्यिका, ठीक है, हिंदी में बोले माध्यिका, और वैसे इसको बोलते हैं मीडियन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में और किस टाइप की सीवियन होती है, मतलब इस लाइन को सीवियन बोलते हैं और क्या कैसा होता है। मान लो एक और ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर यहां से मतलब इस वाले में देखो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहां से लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती, कहीं से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो और अगर यहाँ पे बराबर पार्ट में टूट गए तो ये भी मीडियन है, यहाँ पे भी हो सकती है, अगर ये बराबर पार्ट में टूट गया तो ये भी मीडियन है, तीनों मीडियन है, ठीक है, तीन ही मीडियन ड्रॉ होंगे, राइट। अगर मैं मान लो एक और ट्रायंगल बना रहा हूं और अब की बारी मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी और इसने यहां पे दो बराबर पार्ट में तोड़ दिया, थीटा और थीटा, तो इस सीवियन को बोलेंगे हम एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बोलोगे आप। और सिमिलरली ये यहां से भी ड्रॉ हो सकता है, बशर्ते ये दोनों बराबर होने चाहिए, और यहां से भी ड्रॉ हो सकता है, शर्त यही है फिर से कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। आपने बोला एक और बन गया, यानी कि इसको एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। और क्या चीज होती है, अगर मान लीजिए मैंने यहां से ड्रॉ किया कोई भी त्रिभुज है कोई भी, और ये जो लाइन ड्रॉ करी मैंने इसको बोल दिया मैंने ये है एल्टीट्यूड, सिर्फ हाइट है, ये भी ड्रॉ कर दिया ये एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये जो सीवियन है इसको हम बोल सकते हैं एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई, क्या बोलते हैं ऊंचाई। चाहे आप इस तरीके का ट्रायंगल बनाओ लेकिन अगर यहां पे भी ड्रॉ करेंगे तो आएगा वो नीचे, मतलब एक्सटेंडेड वाली गिरेगा इसी पे, भले ही एक्सटेंडेड वाले पे गिरे। तो ये जो लेंथ है वर्टेक्स से शुरू होती है और ये, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वो सीवियन में नहीं आता, जिसे बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो सीवियन नहीं है लेकिन तब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये जो लाइन है मैंने इसका इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, मतलब आधे से ज्यादा प्रकार खोल के, एक आर्क यहां पे, यहां पे और यहां पे, यहां पे, तो बोलोगे एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाती थी, तो ये बराबर पार्ट में भी तोड़ता था और 90 भी होता था, यानी कि ये वाली जो लेंथ है इसको मैं कलर चेंज करके लिख सकता हूं, तो इसमें श्योर नहीं होते थे कि यहीं से जाएगी, यानी मान लो अगर मैंने यहां से ड्रॉ कर दी तो ये बराबर पार्ट्स में टूटेगा और 90 गिरेगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा बेस बताया 2-3 मिनट में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए सबसे पहले वाला जो पॉइंट है मीडियन से रिलेटेड क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, मीडियन से रिलेटेड क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और मीडियन से रिलेटेड हमें क्या पता होना चाहिए उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपने मीडियन ड्रॉ कर लिए, एक मीडियन ये ड्रॉ कर लिया, एक मीडियन ये ड्रॉ कर लिया, एक मीडियन मान लो यहां से ड्रॉ कर लिया, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड, या फिर बोलते हैं सेंट्रोइड या केंद्रक, वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिनोट किससे करते हैं, जी से। क्या प्रॉपर्टी होती है, चाहे किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, किसी भी तरीके का, चाहे स्केलर हो या आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, हमेशा ये जो डिस्टेंस आएगा, मत अगर मेरा ये डिस्टेंस, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 आएगा, मतलब सेम रेशियो। अगर ये 2x है तो ये x आएगा, मान लो अगर ये 2y है तो ये y आएगा, मान लो ये वाला पोर्शन 3z है तो ये हमेशा z आएगा। आपने बोला ठीक है, पहला पॉइंट ये मुझे पता चल गया।
ठीक है, इस बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और मीडियन से रिलेटेड हमें क्या पता होना चाहिए, मीडियन से रिलेटेड और भी चीजें होती है लेकिन उसमें हमें फिर से थोड़ा सा दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अगर एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड मुझे कुछ पढ़ना है तो मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर भी सेम आप ऐसे करो, एक ट्रायंगल बना लो और एक त्रिभुज में ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये भी एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया और ये भी एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है इन सेंटर, अंतः केंद्र। ऐसा क्यों भाई, इसका नाम ऐसा क्यों है? ठीक है, इसका तो ये मैं कह सकता हूं कि इसका ऐसा क्यों है, इसका प्रूफ ये है कि ये जो पॉइंट होता है, मान लो किसी भी ट्रायंगल में एक सेंट्रोइड पे हम पहुंच गए तो इसको केंद्रक इसलिए बोला जाता है कि यहां से और यहां से जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका एरिया अगर डेल है तो इसका भी एरिया डेल रहेगा, इसका भी एरिया डेल रहेगा, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है एक तरीके से। यहां से अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया तो ये बराबर बराबर बराबर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये इन सेंटर क्यों है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, तो हमने ये पाया कि ये बराबर बराबर है, आर है आर है आर है। और जैसे ही पता चला कि आर 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 बराबर है तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो जब तीन रस्सियां बराबर मिली तो आपने एक वृत्त यानी कि सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इस सर्कल को आपने क्या बोला, आपने बोला इन सर्कल, क्योंकि ये ऐसा सर्कल होता है जो ट्रायंगल के तीनों भुजाओं को टच करता है अंदर से, अंदर से यहां टच करेगा, यहां टच करेगा, यहां टच करेगा। तो इसलिए इसको बोला गया इन सर्कल। क्या बोला गया, इन सर्कल। अब अगर इन सर्कल की बात करें तो ये पॉइंट हो गया इन रेड, इस वाले इसको बोलेंगे इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या। ठीक है, अंतः त्रिज्या ऐसे समझ लो। ठीक है, मतलब कि त्रिज्या है और अंदर वाली, इसको इन रेडियस बोलते हैं। ओके, और इसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं लेकिन वो अलग चीज है, पहले आप बेसिक समझो। और अब जैसे हमने बोल दिया ये, जैसे इस वाले को भी मैं पूरा बता सकता हूं बट अभी नहीं। ठीक है, अगर मान लो आपकी बारी, मैंने नेक्स्ट जो ड्रॉ किया, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करे या एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई यहां से ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर भी है, ये भी है, यहां से ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर भी है और बराबर भी है। मान लो यहां से ड्रॉ हुआ ये, तो बराबर भी है और परपेंडिकुलर भी है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर मैंने तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो ये पता चला कि ये डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर निकला। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये आर तीनों बराबर निकल गए किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में। तो इसको लेकर एक सर्कल बना दिया, तो आपने बोला ठीक है यार, इसको लेके जब सर्कल बनाया ऐसे करके सर्कल बन गया। ठीक है, तो इसको बोला गया सर्कम सर्कल। इससे बना था ये सब कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना रहा हूं। और ये किससे बना था, सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल जब बना तो उसकी खास प्रॉपर्टी ये थी कि ये बाहर से टच कर रहा था, यानी मान लो अगर एक ऐसे मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये वाला मेरा सर्कम सर्कल है, और अगर अंदर होता, मतलब जब कोनों को टच करेगा तो इसको हम सर्कम सर्कल बोलेंगे। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये आर है। ठीक है, ओके, अभी सिर्फ ये देखो निकालते कैसे। और इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, यानी कि परिकेंद्र हिंदी में और परित्रिज्या, सर्कम रेडियस तो परित्रिज्या। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना। और आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए, अगर हमने बोल दिया, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला एक ट्रायंगल है और अब की बारी मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ करे, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये वाला एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर दिया और ये वाला एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर दिया। मान लो
अब इसकी खास प्रॉपर्टी क्या थी, कोई सेंटर बन रहा था, नहीं बन रहा था, लेकिन इस पॉइंट को हमने बोला ऑर्थो सेंटर, मतलब कोई सर्कल नहीं बन रहा फिर भी ऑर्थो सेंटर, ठीक है, लंब केंद्र, क्योंकि ये लंब से बना है, ऊंचाई मतलब लंब, लंब केंद्र, ठीक है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड से बना है, यानी कि आप कह सकते हो लंब से बना है, ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर्टी थी 90। अब इसमें क्या खास प्रॉपर्टी होती थी ये अभी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि भाई एंगल से कैसे रिलेट होता है, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, ये सब चीजें होती है। अब हमने पढ़ लिया कि ये सब होते क्या है, अब हम फिर से जाएंगे इनके पास और वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे। जैसे मान लो अगर मैं सेंट्रोइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक और चीज समझ लो बस, कि जब एक खास ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, इक्विलेटरल में मान लो ये भी सेम था, ये भी सेम था और ये भी सेम था, इसकी खास प्रॉपर्टी ये थी कि जब यहां से मीडियन ड्रॉ हुआ तो ये मीडियन भी था, यही लाइन मीडियन भी थी, परपेंडिकुलर भी थी, एंगल बाइसेक्टर भी थी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी थी, सब कुछ थी। तो अगर ये सब कुछ थी तो इस पॉइंट पे अगर मेरा जी आ रहा था तो जी भी आएगा। अब मैं देखो कुछ और पॉइंट बताऊंगा कि अगर मेरे को एंगल बाइसेक्टर को डिनोट करना है तो आई से डिनोट करने में सही रहता है, क्योंकि आई से ही इंटरनेशनल पॉइंट पे डिनोट किया जाता है आई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है तो आप एस से या फिर ओ से डिनोट करते हो, एस या ओ, तो एस ले लोगे तो ज्यादा बेहतर है, एस। और अगर मान लो मैंने ये लंब केंद्र ले लिया तो एच से डिनोट, यानी कि अब मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं कि ये सेंट्रोइड भी है, केंद्रक भी है, लंब केंद्र भी है, इन सेंटर भी है मतलब अंतः केंद्र भी है, और यही मेरा परिकेंद्र भी है, इसी पॉइंट पे, मतलब कि सिंगल पॉइंट पर है। तो आप ये भी कह सकते थे कि देखो भाई साहब अगर ये डिस्टेंस 2 यूनिट है तो इसको मैं सर्कम रेडियस बोल सकता हूं, कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस बोल सकता हूं। और अगर मान लो मैं इसी को इतना पॉइंट ले रहा हूं, यानी ये एक यूनिट डिस्टेंस है, तो इस एक यूनिट डिस्टेंस को मैं इन रेडियस बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इन रेडियस, यानी कि आप कह सकते हो स्मॉल आर से अंतः त्रिज्या, ठीक है। और देखो आप अगर मैं सिर्फ इतना ए निकालना चाहूं, मतलब ए ए, तो सिर्फ 2√3 यूनिट कर देना, क्योंकि अगर ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो 2√3 यूनिट कर देना, ये एक स्पेशल चीज है, आपको बहुत आसान है, मतलब कि भाई अगर ये 2 होता है ये 1 होता है तो ये 2√3 यूनिट होती है, सिंपल। अब अगर मान लो मैं इसी में एक ऐसा ट्रायंगल बना लूं स्पेशल जिसे बोलते हैं आइसोसेलेस, यानी ये दोनों बराबर है, तो इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि यहां से बराबर के बीच में से, यहां से नहीं इधर से मत ड्रॉ कर देना, जब ये वाली हाइट ड्रॉ करी जाती है तो ये हाइट मीडियन भी होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, लंब भी होती है, ऊंचाई भी होती है, हाइट भी होती है, आपने बोला ठीक है ये सब कुछ है। तो इसमें क्या होता है कि इसी पॉइंट पे आपका, इसी पॉइंट पे आई, इसी मतलब पॉइंट नहीं रहेगा, कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, दोनों में यही फर्क है कि कोलिनियर का मतलब है यहां पर अगर जी है, यहां पर आई है, यहां पर मान लो एच है और यहां पर आपका मान लो एस है, तो एक ही लाइन में रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे, हो सकता है 1-2 पॉइंट ऊपर ही, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, कोइंसिडेंट करें, लेकिन स्टिल आप बोलोगे कि आइसोसेलेस में एक ही लाइन पर होते हैं, क्योंकि यही लाइन आपकी हर चीज होती है, ये आपकी एल्टीट्यूड भी है, ये आपकी मीडियन भी है, माध्यिका भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ है। अब मैं आपको बताता हूँ और क्या पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, जैसे मीडियन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, मीडियन के बारे में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया अगर मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मीडियन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, तो मीडियन में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मीडियन से जब भी सेंट्रोइड बनेगा जी, तो अगर यहां से यहां ज्वाइन करूंगा तो ये 2 आएगा और ये आगे ले गया तो ये 1 होगा, यानी अगर यहां से भी ड्रॉ कर रहे हो और इस लाइन को हमेशा क्या होना पड़ेगा, ये हमेशा मीडियन कहलाएगा, ये पॉइंट आपको बताना चाहिए, सिंपल सा है। और क्या बताना चाहिए कि अगर जैसे मान लो एक ट्रायंगल में आपको दे रखा भैया ये सेंट्रोइड है, तो आप तुरंत बोलोगे कि देखो भैया अगर ये 3 ट्रायंगल बना दिए, अगर इसका एरिया है मान लो x, एरिया इस पूरे का एरिया x है, तो इसका भी एरिया x रहेगा
और इसका भी एरिया एक्स रहेगा, ठीक है। और कुछ और चीजें होती है जैसे स्टीवर्ट होती है, तो स्टीवर्ट थ्योरम बाय अबासनी करके सर्च मार लेना, ठीक है, उसमें आपको और भी चीजें पता चल जाएंगी कि लेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको थोरो नॉलेज दे रहा हूँ ताकि शॉर्ट में आपको एटलीस्ट थोरो नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको मीडियन में पता होना चाहिए, ठीक है। और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ है मान लो ये ए बी सी है, तो अगर ये ए है ये लेंथ, ये बी लेंथ है और ये सी लेंथ है, तो अगर इसका एरिया निकाला हमने, एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि भैया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो अगर मान लो आपने इस पूरे का एरिया निकाल दिया जो है ए, और यहाँ पे तीन आपको मीडियन भी मिल रहे हैं, एक मीडियन मिल रहा है ये जिसकी लेंथ है एक्स, एक मीडियन मिल रहा है वाई और एक मीडियन मिल रहा है जेड लेंथ। तो जब आपने हाइपोथेटिकली एक्स वाई जेड से भी ट्रायंगल बना लिया बाय चांस, हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन में ये तीन डंडी निकाली और आपने ट्रायंगल बना लिया, तो जो इसका एरिया आएगा, मान लो इसका एरिया आ रहा है एम, इसका एरिया कैसे निकलेगा भाई, वही एस इस तरीके से, और अब की बारी एस जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय टू, वही तरीका है कि एस एस माइनस एक्स एस माइनस वाई और एस माइनस जेड। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनका जो रेशियो होता है वो होता है ए बाय एम का रेशियो 4/3 होता है, कि अगर बड़े वाले का मतलब जिससे बना है उसका एरिया अगर 4 है तो मीडियंस जो हाइपोथेटिकल केस है उसका एरिया हमेशा 3:3 होगा, सिंपल। और क्या पता होनी चाहिए, और भी चीजें हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ना डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, वरना फिर इस वीडियो का ना पर्पस खत्म हो जाएगा। इसमें हम मेन आपको ज्ञान देना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें बनती कैसे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले, इकट्ठे खा लोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मीडियन, ठीक है, मीडियन में इतना ही रखते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें सबसे बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए सबसे पहले कि अगर अंतः केंद्र की बात कर रहे हैं, आर बराबर एरिया अपॉन एस, कि भैया अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो डेल बाय एस होता है, ठीक है। डेल मतलब एरिया और एस का मतलब तो अभी बताया ही था, सेमी पैरामीटर, मतलब सारी साइडों को जोड़ दो और आधा कर दो, ठीक है। अब इनसे भी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड भी फॉर्मूले हैं काफी सारे, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले जानना चाहते हैं तो एक मैंने पीडीएफ दे रखी है ज्योमेट्री की, उससे आप रट सकते हैं फॉर्मूले, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इस वाले की बात करते हैं, इस वाले डायग्राम की, तो इस वाले डायग्राम में अगर ये आर निकालना है, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखा है एक्स, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। ये अगर वाई है तो ये भी वाई होगा, ये अगर जेड है ये भी जेड होगा। कैसे होता है, क्योंकि एक सर्कल के बाहर से अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करे तो हमेशा बराबर होते हैं, कॉन्ग्रेंसी की वजह से होते हैं, कि भाई कॉन्ग्रेंट होते हैं ये दोनों ट्रायंगल, इसलिए होते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखो ये जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई। तो अगर मान लो ये शेप आपके पास आ गई तो आपको सीधा आर निकालना है, अगर तो आप बोलोगे रेडियस अगर निकालनी है और डेल निकालना है, दो चीजें, ठीक है, तो आप यहां बोलोगे एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अगर आर निकालना है तो आप बोलोगे यहां पे एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप ज्योमेट्री निचोड़ देखेंगे तो उसमें प्रॉपर दिखेगा। अभी सिर्फ सेंटर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ऐसी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो बनता है आर बराबर ए बी सी अपॉन फोर डेल, तो डेल का मतलब पता है आपको एरिया, फोर तो आपको पता ही है कॉन्स्टेंट है, ए बी सी का मतलब है ये साइडों की लेंथ, अगर मान लो ये ए है ये बी है ये सी है तो ये आपका सरकम रेडियस निकलने की चीज होती है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं एल्टीट्यूड की, अब इसमें आप ध्यान से देख लो, मान लो अगर ये एक्स, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो ए बी सी डी ई एफ, मान लो एच है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ए एच और एच डी का प्रोडक्ट बी एच और एच एफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और यहां पे आप सी एच और ई एच के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर ये लंब केंद्र है, मतलब अगर ऑर्थो सेंटर है, तो और क्या पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, जैसे ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होता है, ऐसे एंगल्स को लेके भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, मैंने बोल दिया कि एक ट्रायंगल है,
ठीक है, और यहां पे आई है इन सेंटर, तो अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा 90 प्लस थीटा बाय टू, ठीक है, ये इन सेंटर है, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर मान लो मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया और मैंने बोल दिया यहां पे एच है, तो आप सीधा बोलोगे अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा। और अगर मान लो किसी ने ऐसे करके ऐसे बना दिया और यहाँ पे एस बना दिया एस, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, क्योंकि सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। आई आ गया, एच आ गया, लेकिन अगर हम एंगल्स का रिलेशनशिप सेंट्रोइड से निकाले तो नहीं निकलता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने शायद आपका बेस बना दिया है कि ये सब बेस होता है। अब आप सीखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप बोलेंगे, ठीक है, अगर मान लो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने बोल दिया कि आप ज्योमेट्री पढ़ा दो एक क्लास में पूरी इसी तरीके से, मतलब सारी चीजें बता दो, तो मुझे टाइम चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम लग जाएंगे पढ़ाने में 8 से 10 घंटे, ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सुपर 100 जिनका भी टारगेट 2023 का है, एग्जाम्स का, मेंस का, सुपर 100 मेंस बैच है, तो इसमें एडमिशन ओपन कर रखे हैं इस टाइम पे। जिसको भी एडमिशन लेना है वो व्हाट्सएप 7982155093 पे मैसेज करें। अभी उद्देश्य ये था कि इस वीडियो का, कि एक छोटी सी वीडियो बना के आपको ये पॉइंट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें वो पॉइंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को कि अगर मान लो ये आई है, तो अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो ये एंगल थीटा थीटा, तो क्या ये वाला डिस्टेंस हमेशा इन रेडियस होती है? नहीं, कभी भी नहीं। इस आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये इन रेडियस होगा। हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि अगर मान लो ये आई है, इन सेंटर है, ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, इसे इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। धन्यवाद।